अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेके एक बेहतरीन पेशकश, चुपके चुपके एपिसोड 13 पार्ट 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड, बिकॉज कल वाला एपिसोड अगर आपने देखा होगा भाई साहब, क्या ट्विस्ट आया ना भाई, बहुत तगड़ा, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था ये। इतना बड़ा ट्विस्ट फर्स्ट टाइम भाई, मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बहुत एंजॉय किया हमने कल, आई स्वेयर बहुत एंजॉय किया। चलो आज का एपिसोड देखते हैं आज क्या होता है। तो चलिए आगाज करते हैं। क्या बात करनी है, मसले का कोई हल भी तो निकाला जा सकता है। ऐसा हल निकले कि सारी जिंदगी याद रखेंगे आप। आपको हमारी मासूम बच्ची ही मिली थी धोखा देने के लिए। अरे भाई, अगर आप लोग कहते हैं तो मेरा बेटा खड़े खड़े उसे तलाक दे देगा। तौबा तौबा, इतना जुल्म, आपने कोई इंसानियत नाम की चीज ली है? चलो कनीस, खड़े खड़े उसे तलाक दे देगा बोले, तीन बच्चे। ए भाई गुस्सा आ रहा मेरे को इस पे। इसीलिए इतना इजीली मान गए थे ये, कुछ नहीं देंगे हम। देखो किस अपने बच्चों को संभाल, येड़े हैं ये, अच्छे बच्चे हैं, निठल्ला इंसान ये बेचारा फाजी भाई यार उनका है बेचारा इतना मन था इनका। नहीं नहीं, बेबे को पहली बार देख रहा हूँ मैं, नहीं तो बेबे तो हमेशा हंसती रहती है, टेंशन नहीं लेती ज्यादा। आज ज्यादा टेंशन हो गई, पापा की बद्दुआ लग गई। अगर मनिया की जगह ऋषि का निकाह हो रहा होता तो तब भी तुम यही कहते? बोलो। देखे आपा, आनिया बहुत अपसेट हो रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? इस मौके पर अम्मा बेबे तक अपने इख्तलाफात भुलाए दूसरे का गम बांट रही है। देखो उधर इन लोगों को अपना माल मंडी बांधे और निकले यहाँ से 2 मिनट के अंदर अंदर। यस सरकार, इसकी टांग तोड़ के ही आऊंगा मैं। किधर जा रहे हैं, पागल तो नहीं हो गया? वो अशर भाई की फैमिली तो भाग गए। चला गया। इन दोनों की शादी कर दो ना। भाई
ए भाई सब चौंक गए ना, उनके मन में पहले से ये चीज थी। थोड़े लोगों का मंजूर होगा ना। हाँ, इनके शक्ल से लग रहा है, लगता है सदमे से दिमाग ही चल गया किश्वर चाची का। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है। खर्चा बचा रहे हो तो। अम्मा, की इज्जत के लिए कुर्बानी दे। अरे मैं ही मिलाऊं कुर्बानी के लिए। ये भाई बिठा दिया उनको। खानदान की इज्जत का सवाल है तो अब भी कर दे फाजी और मीनू का निकाह, हमें कोई एतराज नहीं। मजा आ गया सच में यार, बेस्ट था ये, बेस्ट एपिसोड कल वाला एपिसोड, ये वाला भाई साहब बहुत जबरदस्त। बेचारा हानिया का सपने ले रहा था, सारी जिंदगी मुर्गियां हलाल करते करते आज बेटी ही हलाल कर दी। अच्छी लड़की भी नहीं, अभी तो ताजा ताजा सदमा है, कुछ कहा तो सर फाड़ देगा मेरा। मस्त है यार, बड़े एपिसोड बेस्ट था। आई एम रियली सॉरी गाइस अगर हमने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा, जवाब कर दिया है। सोचने की बात ये है, इस रिश्ते का ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया? ओहो मिस्किन, मुझे तो लग रहा है हमने बहुत बड़ा भंड मार दिया है। भंड घर का पेट चुलदा फटा। गुल बेटा
सारे फंक्शन एक हफ्ते बाद होंगे। चाचा वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने अपने घर की निकलने की करें। अरे कुछ खावा तो लो। मेरा पेट तो फुल है चाचा। चलो ये तो अच्छी बात है। ओके पैसे बच गए। एक प्लेट बच गई अंकल। फ्रॉड किया सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ। पागल तो नहीं होगी? फ्रॉड वो लोग हमारे साथ कर रहे थे, अब तो अल्लाह ने हमारे लिए अच्छा किया है। कुएं से निकाल के ना सीधा खाई में फेंक दिया आप लोगों ने मुझे। आप ही समझाए ना बेबी। हाय मैं क्या समझाऊं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं लग रही। दो मिनट के लिए मैं भी होश किया हुई हूँ, तुम लोगों ने नीवी नीवी करके लड़की का निकाह कर। बेबी घर का बच्चा है फांसी। बेटा कोई बात नहीं, घर की बच्ची है मीनू। अरे भाड़ में गई ऐसी घर की बच्ची, सारी जिंदगी बहनों की नजर से देखता है उसे। अरे भाइयों से कौन करता है शादी, इससे तो अच्छा होता फ्रॉडिया के साथ ही निकाह पढ़वा देते मेरा। ऐसी कौन सी क्यामत टूट गई तुम पर? अरे क्यामत तो टूटी है मेरे सर पर, जाहिल डाल दी जबरदस्ती मेरे पल्ले। तो पहले तो तुम पढ़ाते थे ना उसको फाज, मजीद और पढ़ा लेना। रहने दे अम्मा, पढ़ने वाली शक्लें और होती हैं। हाँ ये बात भी सच है। कभी माफ नहीं करूंगा आप लोगों को, अल्लाह पूछेगा आपको। सारी जिंदगी शोहर नहीं उस्ताद जी बन के गुजारेंगे मेरे साथ, मेरी तो किस्मत ही फोड़ दी आप लोगों ने। लगता है हमसे कुछ चबल मारी गई है। चबल जाती हुई गई बिठल के साथ, फीलिंग हो रही है मुझे। जो होना था वो हो गया, दुआ करी उसके लिए। अब आया ना। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन एपिसोड। ऐसे क्या होता है भाई। ठीक हो? ठीक हो, खाना भी खाया है अच्छे से। सो गाइज ये था हमारा रिएक्शन ऑन एपिसोड नंबर 13 पार्ट 1। भाई साहब क्या एपिसोड था, बेस्ट एपिसोड ऑफ चुपके चुपके, ये वाला और लास्ट वाला जो हमने पार्ट किया भाई, मजा आ गया भाई, कसम से बोल रहा हूँ। इतना ज्यादा स्वाद, ओए होए होए, इतने ज्यादा फ्लेवर्स एंड फ्लेवर्स मैन, अलग अलग तरह से भाई। मिस्किन भाई एक बंदा, एक बंदे ने भाई इतना हंसाया ना, आई स्वेयर मजा आ गया भाई, कसम से मजा आ गया। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो वी आर साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।